जियो बैप को सीएससी द्वारा से जो आईआरसीटी का नया पोर्टल लॉन्च किया गया, जिस पोर्टल में किस तरीके से आपको टिकट को बुकिंग करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप सफलतापूर्वक टिकट को बुकिंग कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक पर। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए ताकि हम इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएससी पोर्टल को लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको आईआरसीटीसी सर्च करेंगे तो आपको आईआरसीटीसी आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको न्यू वेबसाइट में ले जाएगा। जो भी आपको सीएससी का आईआरसीटी का नया वेबसाइट है उसके बाद आपको लॉगिन आइकन पे क्लिक करेंगे, टर्म कंडीशन को एग्री करेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको लॉगिन हो जाएगा। सीएससी का जो आईआरसीटी का पोर्टल आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। आपको यहाँ पे टिकट को बुकिंग कर सकते हैं, पीएनआर को ट्रैक कर सकते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म और टू है, फॉर्म में आपको जहाँ से जाना है उस जगह का नाम आपको यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद आपको जहाँ तक जाना है उस जगह का नाम आपको टू में टाइप करना होगा, फॉर्म और टू। चलिए मैं आपको एक कस्टमर का टिकट बुकिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले कस्टमर जाएगा गुवाहाटी से जोधपुर, तो यहाँ पर फॉर्म में मैंने टाइप कर दिया गुवाहाटी, टू में टाइप करूँगा जोधपुर। जोधपुर टाइप करते जो भी आपको टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सजेशन बार में जो भी रेलवे स्टेशन का नाम आ जाएगा उसको सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद आपको डेट सिलेक्शन करेंगे कौन सा डेट पे कस्टमर ट्रेवल करना चाहते हैं, उसके बाद आपको क्लास वगैरह ऐसे रहने दें, उसके बाद आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उस रूट पे उस दिन कौन सा कितना ट्रेन जा रहा है आपको यहाँ पे सारा चीज़ दिखाई देगा। एक ही ट्रेन जा रहा है हमारे केस में, तो यहाँ पे स्लीपर हो गया, एसी हो गया, कौन सा आपको जाना है उसी को सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे कितना सीट है, कौन सा डेट पर कितना सीट अवेलेबल है, कितना वेटिंग है, आपको सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। जो भी क्लास में आपको यहाँ पे बुक करना है उसी क्लास को सिलेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी सीट अवेलेबल आपको दिखाई देने लगेगी। मैं एक कस्टमर का टिकट बुकिंग कर रहा हूँ, वो करना चाहता है सेकंड सीटिंग पे, तो सेकंड सीटिंग पे अवेलेबल सीट है 8/7/2022 को, देख सकते हैं। उसके बाद आपको अवेलेबल सीट 22 सीट अवेलेबल है, इसी पर मैं क्लिक करके टिकट को बुकिंग करना चाहता हूँ तो इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से दिखाई देने लगेगी, आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पैसेंजर डिटेल वगैरह भरना होगा। सबसे पहले पैसेंजर डिटेल में उनका जो भी टाइटल आपको सिलेक्शन करना होगा, टाइटल में टाइटल को सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पैसेंजर नेम आपको टाइप करना होगा, उसके बाद आपको येस टाइप करेंगे, ये पैसेंजर में पूरा फुल नेम आपको टाइप करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल फीमेल सिलेक्शन करेंगे, आपको इंडिया रहने दे, उसके बाद आपको कौन सा सीट चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, सेकंड सीटिंग में ऐसा कोई नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, जैसे आप ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पैसेंजर आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं जो भी आपको पैसेंजर ऐड हो जाएगा। अगर आपको किसी भी कारण से पैसेंजर को रिमूव करना था, आप यहाँ पे कट आइकन पे क्लिक करेंगे, पैसेंजर रिमूव हो जाएगा। अगर आपको एक से ज्यादा पैसेंजर ऐड करना है, एक ही साथ में आपको 4-5 लोग जा रहा है, तो आपको यहाँ पे दोबारा से पैसेंजर डिटेल भरेंगे, उसके बाद आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो पैसेंजर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भी आपको बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैं नहीं करना चाहता तो नो पे क्लिक करें दे, अगर आपको करना चाहते तो यस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, पैसेंजर का मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको सबसे नीचे आप यहाँ पे जो भी पैसेंजर कहाँ तक जा रहा है उनका पूरा एड्रेस को मेंशन करना होगा, आप यहाँ पे पिन कोड के समेत। पिन कोड को टाइप करते जो भी आपको यहाँ पे स्टेट और सिटी आ जाएगा, आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नेम आपको यहाँ पे जो भी सिलेक्शन करना होगा जो उनका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है। अदर प्रीफ्रेंस में देख सकते हैं जो भी आपको कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन है, उसके बाद आपको दूसरे बॉक्स में अगर आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे तो जो भी आपको टिकट बुकिंग करेंगे तो आपका जो टिकट है कंफर्म होने के बाद ही आपका पैसा कटेगा और टिकट बुकिंग होगा, तो कंफर्म जो भी आपको सीट मिलने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीफ्रेंस कोच नंबर में अगर आपने पहले से टिकट करके रखा है तो आपको कंफर्म टिकट है पहले से, तो आपको उसी कोच में उसी डब्बे में दूसरे टिकट करना चाहते हैं तो आपको इसको यूज कर सकते हैं। जो भी आपको प्रीफ्रेंस कोच नंबर में आप कोच नंबर डब्बा डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस वगैरह है तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस लेना तो आपको येस पर क्लिक करिए, अगर आपको नहीं लेना तो आपको नो पर क्लिक कीजिए अपने हिसाब से आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर आइकन पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू करते ही आपको यहाँ पे एक समरी दिखाया जाएगा जो भी आपको पैसेंजर का नाम हो गया, उसके बाद आपको कितना पेमेंट आपको पे करना होगा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कितना सीट अवेलेबल है, आपको यहाँ पे अच्छी तरह से चेक करके पे पर क्लिक करेंगे। जैसा पे पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट सीएससी वॉलेट में ले जाएगा, इसमें आपको जो भी सीएससी का पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको वॉलेट पिन डालेंगे तो आपका पेमेंट कट हो जाएगा, आपका टिकट बुकिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा तो डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन करने के लिए आईआरसीटी का वेबसाइट में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको पासपोर्ट है, जो भी आपका पासपोर्ट है वो आपको आईआरसीटी का पासपोर्ट आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, ओटीपी को मेंशन करेंगे, जो भी आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा को मेंशन करके सबमिट आइकन पर क्लिक करेंगे। कंग्रेचुलेसन, आपका टिकट बुकिंग हो चुका है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा, उसके बाद आपको सबसे नीचे आपका टिकट शो होगा, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका टिकट आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी, जो भी आपका प्रिंट आउट करने के लिए रेडी है, इस तरीके से आपका टिकट बुकिंग हो जाएगा।